Τώρα Ελλάδας 13. Φιλία 106,7 στα FM, 665 στα Μεσαία. माओं की दुआएं हैं, रहमत की तरह सर पर बहनों की
निद्राएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं, हम पर रब का तमाम सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और पख्तून जहां जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सैयद मोहम्मद जमील का उनको अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस की ये नशरियात नेट के मल्टी कल्चरल चैनल फिलिया से हर हफ्ते को दोपहर 1 से 2 बजे AM 665 या FM 106.7 पर बराह रास्त नशर होती है। पूरी दुनिया में इंटरनेट पर हमारा ये लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए www.ert.gr आप ये जब पेज खोलेंगे तो इस पर फिलिया FILIA रेडियो फिलिया क्लिक करेंगे तो आप ये प्रोग्राम बराह रास्त सुन सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का टेलीफोन नंबर है 210-600-0325 और हमारा फैक्स नंबर है 210-963-8822। आप अपने पैगामात, सवालात, अच्छे मशवरे साफ सुथरे लिखकर मुकम्मल कवायफ और टेलीफोन नंबर के साथ आप हमें भेज सकते हैं। मेरा CU नंबर है 6955853790 और मेरा ताजा मोबाइल का नंबर है 6942965500 और हमारा ईमेल भी अब दौर आ गया है इंटरनेट का, आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ग्रीक पाक GREEKPAK इकट्ठा लफ्ज है GREEKPAK@yahoo.co.uk ये हमारा ईमेल, आप अपना ईमेल के जरिए भी अपने पैगामात, सवालात और अपने मसाइल और मशवरे लिखकर भेज सकते हैं। हमारे साथ हसबे ममूल आज टेलीफोन पे हमारी कोऑर्डिनेटर ज़वेता करस्पिलियू ये हमारे साथ हैं। साउंड पर ओलिविया यानिकोपोलू और ऑफ कोर्स मेरे साथी चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब हमेशा की तरह मेरे साथ तारो ताजा। चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब का CU नंबर आप नोट कर लीजिए 6958211055 और उनका ताजा मोबाइल नंबर जो है चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब का 6943004242। इमिग्रेशन के मुतालिक आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ये दोनों टेलीफोन नंबर हैं, इन पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी फरमाइशों के लिए, क्योंकि हमारा जो ताज़ा प्रोग्राम, ताज़ा सेटअप है उसमें हम गाने ज़्यादा लगाया करेंगे और उन गानों की फरमाइश के लिए आप अपनी मशहूरी करने के लिए चौधरी मोहम्मद बशीर शाह साहब के ये दोनों नंबर हैं, इन पर आप रब्ता करें, अपने पैगामात, अपने ऐलानात, अपने कोई भी जो कारोबार के हवाले से या कोई तहजीती पैगामात है वो सिर्फ चौधरी मोहम्मद बशीर शाह साहब को आप लिखवा सकते हैं या फैक्स पर भी, या आप फैक्स में भी हमें भेज सकते हैं, लेकिन जुमे की शाम तक, जुमे के बाद कोई फैक्स, कोई टेलीफोन पर पैगाम नोट नहीं किया जाएगा। एक प्रोग्राम की तरतीब होती है, उसको हमने पहले से अरेंज और उसकी टाइम की एडजस्टमेंट जो है वो हमने करनी होती है। आज का प्रोग्राम जो है ये सारे का सारा प्रोग्राम मुख्तसरन जो है आज की एथन्स राउंड अप होगा, पैगामात वगैरह होंगे, उसके अलावा सारे का सारा प्रोग्राम आज सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन की मालूमात के ऊपर होगा और उसमें आज बहुत सारी ऐसी हमारे भाइयों ने हमें फैक्स भी किया है, वो अलहद बशीर साहब पढ़ के आपको सुनाएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस का आज ये सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, यानी आज ये प्रोग्राम होगा, अगले हफ्ते को हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, उसके बाद आखिरी प्रोग्राम इस सीजन का 23 जुलाई बरोज हफ्ता, उस दिन हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा 1 से 2 बजे 23 जुलाई हफ्ते को आखिरी प्रोग्राम होगा गर्मियों की छुट्टियों से पहले। उसके बाद पूरा महीना अगस्त का वो छुट्टियां रहेंगी
और इंशाल्लाह सितंबर के पहले वीक से हम दोबारा आपकी खिदमत में तरोताजा नए वलवले जज्बे के साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला बफसले खुदा, अगर सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी रही। अब ये चीजें मुझे इशारा हो रहा है, हुक्म भी है, चौधरी मोहम्मद बशीर शाह साहब भी बड़े बेताब हैं कि वो अपनी खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन मुझके हुक्म है कि टेलीफोन नहीं, ये मैं ग्रीक जुबान में भी ये सारी चीजें बता दूं ताकि हमारा एक तसलसल जो है वो प्रोग्राम करने दें। जी प्लीज। मजे सामिन अस्सलाम वालेकुम और प्यारे बच्चों, बेहद प्यार। मुमकिन है कि आज जो है आप कुछ ज्यादा इमिग्रेशन के बारे सुने, तो आइए शाह साहब जरा इसको जो है ग्रीकी लैंग्वेज में Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαδές και Αφγανιστάν υπακτούν πολύ ευρύτερα όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ακούνε αυτή την εκπομπή κάθε Σαββάτο. Hellenic Urdu Radio Service είναι το τίτλο της εκπομπής μας, που είναι στο πολυπολιτισμικό κανάλι στο NET, στο ραδιόφωνο της NET, στο πρόγραμμα της Φιλίας, που εκδίδεται κάθε Σαββάτο 1-2. Στα μεσαία 665 ή στο FM 106,7. Σημερινή εκπομπή έχει πλούσιο δηλαδή υλικό για την ενημέρωση για τους μετανάστες. Εμείς χθες, εγώ προσωπικά και ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, της ενότητας, ο κύριος Τζαβέντ Ασλαμ Ράιν, μαζί χθες συναντήσαμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, το κύριο Ανδρέα Τάκη και επιτέλειο όλων. Αυτό θα ενημερώσουμε. 1.5 ώρα, 2 ώρες κάναμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Μας ενημέρωσε διάφορα θέματα για τους μετανάστες, που βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής, σημερινή εκπομπή θα είναι μόνο ενημερωτική. Βεβαίως θα έχουμε και τραγούδια για τα θέματα που μας απασχολούν αυτές τις μέρες, που ορισμένα κυκλώματα δίνουν λάθος ενημέρωση, εκμεταλλεύονται τους μετανάστες, πράγματι που έχουν ανάγκη με αυτή την οικονομική κρίση. Αντί να βοηθήσουμε τις κυβέρνησεις, τις προσπάθειες, εμείς μετανάστες και οι μετανάστες που είναι χωρίς δουλειά, χωρίς χαρτιά και έχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά, καθημερινά, κοινωνικά και ψυχολογικά, αντί να ενημερώσουμε σωστά και έγκαιρα, εμείς τους παραπληροφορούμε. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σημερινή εκπομπή δική μας και μετά από σήμερα 23 Ιουλίου ημέρα Σαββάτο θα έχουμε για το σεζόν αυτό τελευταία εκπομπή μας και μετά θα κάνουμε διακοπές όπως όλοι Έλληνες ζωντανοί για το Αύγουστο μήνα και όπως γνωρίζετε όλοι για τους μουσουλμάνους από 1η Αύγουστου μέχρι 30 Αυγούστου είναι το μήνα τη νηστεία, το Ραμαζάν. Φέτος είναι πολύ δύσκολη περίοδο, καλοκαιρινή, μεγάλη ημέρα που νηστεύουν. Αυτή είναι πίστη. Και μετά το 30 Αυγούστου θα έχουμε τη γιορτή, τη μεγάλη, το Eid Bayram. Μέχρι τότε θα έχουμε γυρίσει, πρώτα Θεός. Εύχομαι να έχουμε υγεία, όλοι να είμαστε καλά και με το καινούριο ανανεωμένο, με πάθος, με καινούρια πρόγραμματα που μας έχουν καθοδηγήσει η διοίκηση, θα είμαστε παρόν. Επίσης, θα συνεχίζετε εσείς τα προβλήματά σας, βέβαια, με το fax που έχουμε 210-96-38-822. Αυτό είναι το fax μας. Εάν έχετε κάποια απορία ή να μας συνιστήσετε κάτι ή για τη βελτίωση της εκπομπής μας ή ό,τι θέλετε εσείς, κάποιο τραγούδι ινδικό, πακιστανικό ή από το οποιαδήποτε γλώσσα και ελληνικό ακόμα, μπορείτε να μας γράψετε στο fax ή στο μήνυμα, στο SMS 54160 δίνετε το μήνυμα. Έχουμε και το email greekpack@yahoo.co.uk. Ονομάζομαι Σαΐδ Μοχαμάντ Τζαμίλ, εδώ στο ήχος είναι Ολίβια Γιαννικοπούλου και πάντα η μεγάλη δύναμη της εκπομπής μας είναι κυρία Ζβέτα Καραστήλιο.